नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एल के ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 99% लोग ये नहीं जानते हैं कि कौन सी मेहंदी का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी मेहंदी का नहीं। मेहंदी हम सब इस्तेमाल करते हैं क्योंकि समय से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं। बालों को पोषण देने के लिए, उनका जो समय से पहले सफ़ेद होना है उसको कम करने के लिए हम मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे बाल सफ़ेद नज़र ना आके रंग चढ़ जाए हमारे बालों पर मेहंदी का। तो दोस्तों, बाज़ार में बहुत सारी वैरायटीज़ की मेहंदी आ रही हैं, पर उनमें कई बारी बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, कई बारी मेहंदी हमें रिएक्ट कर जाती है, एलर्जी हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आपने कौन सी मेहंदी का इस्तेमाल करना है और कौन सी मेहंदी का नहीं। इससे पहले दोस्तों, एक ज़रूरी बात, जिन लोगों ने अभी तक एल के ऑल इन वन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा कि यूट्यूब पर मेरा जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो दोस्तों, तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं आपको बताती हूँ आपने कौन सी मेहंदी लगानी है और कौन सी नहीं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि जब भी आप मेहंदी खरीदते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी जो है वो ज़रूर चेक कीजिए। सेंसिटिविटी का मतलब है कि कहीं वो मेहंदी जो है आप पर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा। कई बारी हम मेहंदी लगाते हैं तो हमारे आंखों में इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा हमें इचिंग होनी शुरू हो जाती है। तो आपने कोई भी मेहंदी, बहुत सी वैरायटीज़ हैं मेहंदी की, आप जब भी मेहंदी लाते हैं उसकी सेंसिटिविटी ज़रूर चेक करिए कि आपको कोई भी एलर्जी ना हो जाए। आपने क्या करना है, मेहंदी लगाने से पहले अपने बॉडी पर किसी भी जगह पर एक हल्का सा मेहंदी का स्पॉट लगा लीजिए, और अगर आपको कोई इरिटेशन होती है, वहाँ रेडनेस होती है, तो उसको ना यूज़ कीजिए। दोस्तों, अगली बात यह है कि मेहंदी चुनते समय ये सुनिश्चित कर ले कि मेहंदी 100% ऑर्गेनिक है। 100% ऑर्गेनिक का मतलब है उसके ऊपर किसी भी तरह का छिड़काव पेस्टिसाइड्स का ना किया गया हो, क्योंकि अगर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया गया होगा तो वो आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे, रिएक्शन हो जाएगा आपकी बॉडी पर। तो मेहंदी जो भी आपने इस्तेमाल करनी है वो केमिकल रहित होनी चाहिए। कई बारी क्या होता है कि कंपनीज़ वाले मेहंदी में केमिकल्स डाल देते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, PPDA एक केमिकल है जिसे हम पैराफिनाइलिन डायमीन कहते हैं। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा उसका रिएक्शन हो जाता है, उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। मे भी कईयों को पहली बार में ही उसका साइड इफ़ेक्ट पता चल जाता है, और कईयों को लगातार अगर वो उसको यूज़ करते हैं उसके बाद उसका रिएक्शन जो है, उसका साइड इफ़ेक्ट जो है आपको नज़र आता है, एलर्जी हो जाती है आपको। यही नहीं, कई बारी आपकी आईज़ में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, कई बारी आपके जो इचिंग होती है बहुत ज़्यादा बालों में। तो इसीलिए आप मेहंदी वही इस्तेमाल कीजिए जिनमें कोई भी केमिकल्स जो हैं वो ना मिलाई गई हों। अगली बात ये दोस्तों, मेहंदी जितनी फ्रेश होगी उतनी ही अच्छी होती है, और उतनी ही अच्छी होती है उसकी कलर करने की क्षमता। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ यही कहूँगी, जब भी आप मेहंदी खरीदने जाएँ तो उसकी डेट एक बारी ज़रूर चेक कर लें। हो सकता है वो मेहंदी बहुत महीनों से, बहुत सालों से दुकानदार के पास पड़ी हो, पर अगर आप उसकी डेट चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेहंदी जो है बनी कब है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट वहाँ पर होती है। तो अगर आपने बहुत फ्रेश मेहंदी ली है तो उसकी जो कलर करने की एबिलिटी होगी, क्षमता होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप पुरानी मेहंदी ले आते हैं जो फ्रेश नहीं है, तो शायद आप अगर उसको रात भर भी भिगो के रखेंगे तो उसका रंग उतने अच्छे से नहीं चढ़ेगा जितने अच्छे से फ्रेश मेहंदी का चढ़ेगा। तो मेहंदी जितनी छनी हो उतनी ही अच्छी होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने जब मेहंदी लेनी है बाज़ार से तो उस पैकेट के ऊपर मेंशन किया होता है कि ये मेहंदी जो है छनी हुई है, जितनी ज़्यादा वो छनी होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी क्षमता होगी, रंग जो है वो ज़्यादा चढ़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मेहंदी का असर आपके बालों पर बहुत अधिक हो, रंग बहुत अच्छे से चढ़े, तो आपने मेहंदी वही लेनी है जो ज़्यादा छनी होगी। अगर आप खुद मेहंदी को छानेंगे तो बहुत सारी मेहंदी आपकी वेस्ट हो जाएगी, इसीलिए आप बाज़ार से छनी हुई मेहंदी ही खरीदें। दोस्तों, अगर हो सके तो आप मेहंदी जो है बॉडी आर्ट क्वालिटी की ही लें, क्योंकि दोस्तों मेहंदी बॉडी आर्ट क्वालिटी की मेहंदी स्पेशली होती है, उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, वो बहुत स्पेशल मेहंदी होती है क्योंकि उसमें कोई भी केमिकल्स जो हैं वो नहीं मिले होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये मेहंदी जो है, मेहंदी के पौधे के जो सबसे ऊपर पत्तियाँ होती हैं, ये उन पत्तियों से बनी होती है मेहंदी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छी और बेहतर जानकारी के लिए देखते रहिए एल के ऑल इन वन चैनल। थैंक यू दोस्तों।